हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अभी नाश्ता करने वाली हूँ। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और नाश्ता करेंगे जी। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। चिला चटनी अचार। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। बैंगन चिला चटनी अचार और लंच में बनेगी लौकी और दाल, चावल, पापड़ वगैरह जो भी, सैलेड, बस खा लेते हैं। मेरी चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, बैंगल देखो, अति सुंदर। आप सबसे बातें करनी है मुझको, थोड़ा सा आऊँगी जल्दी से सामने, खा लूँ पहले इन सबको। और इन दोनों ने खा लिया ना, इसीलिए तो दोनों मेरे साथ में नहीं बैठे हैं, वरना और ना वो लोग गरम गरम खाएंगे। मुझे मिला है ठंडा सा, ठंडा बहुत कूल है ये, एक भी हॉट नहीं है। अब मेरा टी आ गया, हर्बल टी, मेरी टी हर्बल टी। तब तक मेरी आधी रोटी खत्म हो गई है। आई लव यू बेटा। ओके गाइस, जाओ थोड़ा सॉस देना बेटा, उस कप में है दो। सब कुछ करने के बाद में अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर और मैं करने वाली हूँ सिलाई। और ये क्या सिलाई है पता है? Look at this blouse made by me। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बस और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बनाती हूँ। और ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये ब्लाउज मेरी नहीं है, ये मैं बना रही हूँ एक स्पेशल फॉर यू। तो मैं इसको पहले ऐसे जोड़ लेती हूँ, उसके बाद में अंदर ही करना है इसको, अंदर करना है। ओ सनम, ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर। फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा सिलाई करना नहीं आता है, मैं अभी अभी जस्ट सीखी हूँ, वो भी सिर्फ यूट्यूब से देख देख कर। मेरे पास टाइम भी नहीं है किसी के पास जाके सीखने का। घर पे अगर नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी तो बाबू को कौन देखेगा। ऐसे ऐसी छोटी छोटी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाती, कुछ सीख नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। कोशिश करती हूँ कि वीडियोस देखूँ, ब्लाउज बनाना सीखूँ। मुश्किल है क्योंकि जब हम किसी को क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। मैंने ना अपनी जो चीज़ बना रही थी, जो मैं चीज़ बना रही थी वो पूरी तरह से बन गई है, रेडी हो चुकी है, तो आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ओके, मैं लाती हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लाओ देखो, वहीं पर लेके चलते हैं, मैं फिर दिखाती हूँ आपको। वेट, सही से दिखना भी चाहिए ना भाई। देखो, इट्स रेडी। बहुत मेहनत की हूँ भाई, 3 दिन में ये कंप्लीट हुई है, 3 दिन में। और देखो, मैंने बोला था ना 4-5 लाइन लगेगी, लेकिन ये जो सारी है ये 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 लाइन हुआ है। एक साइड पे, एक साइड पे 3 लाइन हुई है, तो हो गई है कंप्लीट। और मेरे पास साड़ी वाला कपड़ा एक भी नहीं है, तो ये हो गया कंप्लीट। और पैरदान मेरा कंप्लीट हो गया है, तो ये बनने के बाद में जब बिछाने के बाद कैसे दिखता है बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पैर यहाँ पे आ रहा है, मतलब। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ चुकी हूँ अलग जगह पे, जहाँ पे मैं आप सबसे बात कर पाऊँगी। मैंने क्या बनाया ना, शादी तो मैं सो सकती थी, लेकिन मैं नहीं सोती। और मैं ना थोड़ा सा टाइम का यूज़ करना चाहती रहती हूँ, सो मैंने बनाया। और आई होप आप सबको पसंद आया होगा, जैसे मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जब जब बनाई हूँ, मैंने सब चीज़ें आपको लिखा रखी हैं, मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई है, जो भी चीज़ें करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको शेयर करती हूँ, आप सबको पता है ना। तो अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी साड़ियाँ हैं, पुराने कपड़े हैं जो पैदान बनने लायक होते हैं, या वेस्ट में आपके कोई काम का नहीं है, तो आप ना बनाया करो। अगर नहीं बना सकते तो प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं आपको बना के दूँगी। मैं सबको बोल रही, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, होता है हमारे पास कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन
किसको दें, कौन बना देगा, हमें तो आता नहीं है और आता भी है तो हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कपड़ा है और आप बना नहीं पा रहे हैं, किसी को दे भी नहीं पा रहे हैं, कोई बनाने वाला ही नहीं है आपके आसपास में, नहीं बनाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे दिया करो, मैं बहुत खुशी से बनाऊँगी और आप सबको बहुत ही अच्छा बनना बनाने दूँगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं चाहती रहती हूँ किसी किसी की थोड़ी सी हेल्प करूँ जो कर सकती हूँ, अच्छा लगता है। तो आप सब प्लीज़ दिया करें, कोई तो देंगे ना, भेजेंगे ना मेरे पास पुरानी साड़ी हो, पुराने कपड़े हो, जो आप सब समझ ही सकते हैं कि पैटर्न बन सकता है, डोरमेट बन सकता है, बन सकता है। तो प्लीज़ मुझे सेंड करिए, प्लीज़ मुझे सेंड करिए, मैं आप सबको बहुत प्यार से बना के दूँगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान करूँगी या आप लोग मुझ पर कोई एहसान करें, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हैप्पीनेस है बस। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं लोगों को मांगती हूँ, मैंने किसी किसी के लिए बनाया भी है और मैं बोलती भी हूँ कि मुझे साड़ी बनाओ, मैं आपको उस साड़ी से पैटर्न बना के दूँगी, डोरमेट बना के दूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ, मुझे मतलब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर मैं दे दूँगी। हाँ, एक और चीज़, मैं इतना बोल रही हूँ कि मुझे साड़ी दो मैं पैटर्न बना दूँगी, डोरमेट बना दूँगी, तो फ्रेंड्स या फिर ये मत सोचिएगा कि मेरी चार्ज लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली हूँ। मुझे मेरे लिए जो कितनी चीज़ है, मेरी हैप्पीनेस है, मैं अपनी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे साड़ी देते हो, मैं आपके लिए उस साड़ी से पैरदान बनाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और यही मेरा प्राइस है, कॉस्ट है, जो भी है, ये फ्री है, आप लोग मुझे दीजिएगा साड़ी, हमें अपना भी दूँगी, देखते हैं कितने लोग सब किसी के यहाँ साड़ी है कि नहीं है पुराने वाले। और यहाँ पे हो गई थी शाम, शाम को हमने ये फूला रखे थे ना मैंने, चने और फली, तो ये वैसे तो ये सुबह के टाइम में खाना सही होता है, लेकिन शाम के टाइम में भी कोई बुरा नहीं होता, ब्रेकफास्ट में हम कुछ भी खा सकते हैं आज, और ये तो हेल्दी चीज़ है, तो इसको मैंने सुबह से फुलाए थे और अभी खा रहे थे हम। तो मेरे बेटे को तो देखो मुँह भर भर के खाता है, खा नहीं पाता है कभी कभी, तो उसको भी बहुत पसंद है बेटे को, तो चने चने खाएगा और वो खाएगा फली फली को खाता है ज़्यादा, और हम सारी चीज़ों को खा लेते हैं, तो अच्छी चीज़ है ना, जो हम स्नैक खाते हैं ऑयली ऑयली वाला, चटपटी चटपटी सी, उससे तो अच्छा ही है ये चीज़। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हम वो सब चीज़ें नहीं खाते, हम भी बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं भाई, लेकिन साथ में हेल्दी हेल्दी चीज़ें भी खानी ज़रूरी है। तो कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा होगा, कोई सब चीज़ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे, बेबी टू बुक नाइन मुझे नाम से मिली आई डी है, वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें तो नहीं डालती हूँ लेकिन डालना चाहिए आती है ना, तो ओके देखते हैं और अपने फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो पर, आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय।